तो यहाँ से सफ़र शुरू होता है गुलरबोज डैम का। वैसे तो यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप निकल पड़िए किसी भी रेलवे स्टेशन से ट्रेन ले लीजिए, या हमारी तरह अपनी साइकिल पकड़िए और रोड वाला रास्ता ले लीजिए। रोड वाला जो ये रूट है थोड़ा सा टफ और थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन वो कहते हैं ना, असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का है मेरे दोस्त। तो मेरे तो साइकिल से यहाँ जाने के दो रीजन्स हैं, पहला डैम के ऊपर साइकिलिंग करना और दूसरा उस वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा लेना जिसका मज़ा लेने के लिए लोग यहाँ से गोवा तक पहुँच जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का मज़ा है वो। आज का जो हमारा रूट होने वाला है वो होने वाला है बिंदुखत्ता से हम लोग पहले रुद्रपुर होते हुए जाएंगे 38 किलोमीटर राइड करके डैम तक। चलो भाई प्रभात भाई रेडी है, चलो लेट्स गो। चलो भाई आओ कमान। अब हम सोच रहे सलमान वाला कर ले सीन यहाँ से, इसके बीच में गैप से निकाल लेते हैं साइकिल, कैसा रहेगा। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रपुर और यहाँ से हमको लेना है टर्न आगे, आपको दिखाई दे रहा है दिनेशपुर 9 किलोमीटर का दरपुर। तो भाई लोग यहाँ पे टी ब्रेक लेने के लिए बोल रहे हैं और अभी हो गए हैं 35 मिनट हमें चलते हुए। अभी भाई मनोज भाई इतनी स्पीड में पहुंच गया यहाँ पे, हमें तो लगा वापस चले गए घर को। पावर है और रास्ते में इधर बहुत ही मस्त फूल लगे हुए हैं अलग अलग कलर के, ऐसा लग रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर में घूम रहे हैं हम लोग। रुद्रपुर की वैली ऑफ फ्लावर हर हाईवे के किनारे लगा देने चाहिए वाले, क्यों लगेगा शायद वहाँ भी। और ये सनराइज इसके साथ बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। सामने जब कोई ट्रक आता है तो उसकी हवा जो होती है ना ब्लॉक करती है हमको। तो अभी हम लोग लगातार 30 28 30 28 30 की स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए सांसें भी थोड़ी फूली हुई हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। एक बार स्पीड बना लो और पकड़ के रखो उसको। हाँ अब भाई गौतम का इंतज़ार हो रहा है, पता नहीं कब आएगा। तो यहाँ पर हम लोग वेट भी कर रहे हैं सबकी बाइक्स का, 20 भाई वेट कम है, बड़ी भी तो है इसकी साइकिल 17,500 है। तो मेरी बाइक भी हमने रैप्टर तोल ली है, तो 91 कितना क्लेम करती है और हम दिखाते हैं कितना है इसका वेट। 18 किलो 500 ग्राम है पूरा पूरा 18.5 kg। थैंक यू भाई फॉर वेल्डिंग, थैंक यू मंडल फैब्रिकेशन। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ से भैया भी हमारे साथ आ गए हैं, इनके पास फैट बाइक है, एक साइकिलिस्ट पीछे से आ रहा है, कम ऑन शाबाश इनको हरा दे, चल इनसे आगे, कमान कमान वेरी गुड। देखो भाई जीत गया जीत गया। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं गुलरबोज के गांव में जहां से डैम स्टार्ट होगा, और यहां से भी गुलरबोज बचा हुआ है 3 किलोमीटर। दोस्तों ये वाली राइड में हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पे ना रिलायंस का कोई स्टोर नहीं है, तो हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे आज जूस का, अपने जो सस्ता वाला जूस मिलता है यहाँ नहीं मिल पाएगा हमें सब जगह, लेकिन फ़ोनपे और पेटीएम लगा हुआ है भाई, ये बढ़िया है। भाई हम तो पहुँचने वाले हैं बिल्कुल डैम के पास पहुँच गए, सामने डैम की वॉल्स हमें दिख रही है। और ये डैम जो है कंस्ट्रक्ट हो गया था 1966 में, मेनली इसका पर्पस था इरीगेशन और अब यहाँ पे मछली पालन बहुत होता है। ये जो डैम है ये बना हुआ है भाखड़ा रिवर के ऊपर। तो भाई अब होने वाले चैलेंजेस, और हम लोग पहुँच गए हैं अभी हरिपुरा जलाशय यानी डैम में। तो भाई ये वॉल पे चढ़ने का ना जो कॉम्पिटिशन हो रहा है इधर, तो भाई लोग सब रेडी हैं, चल अब मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा थकने वाला हूँ बिकॉज मैं पैदल भी चलूँगा इतना बार बार, गलत जगह इधर चलते रहे, रुकना मत, अब मत रुकना, रुकना नहीं। और अब मनोज भाई फिर से आ गए, अब तो चलते रहो, अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है, कहीं भी से भी जाओ रुकना ही नहीं है, खड़े हो जाओ चलते रहो, कमान कमान कमान। लेकिन ये दूसरी की तरफ आ गए, कोई बात नहीं, वो हो रहा है काफ़ी चढ़ गए, इस साइड को करना था।
सो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ और ट्रेवल दी कबीरा हमारे चैलेंज पार करने की कोशिश करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे देखते हैं। सो गाइस चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए गो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करेगा करेगा भाई करेगा, मेरा भाई करेगा, तू ही एक मोटिवेशनल, तू करेगा भाई, तू करेगा भाई, तू करेगा। हरी अप हरी अप, बहुत बढ़िया। इतना करना भी बहुत मुश्किल था ये वाला टायर, ये जो मगर बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आया। सो गाइस एक और बार ट्रैवल दी कबीरा कोशिश कर रहे हैं, आ जाएगा इस बारे। कमान कमान कमान, जरूर 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 जरूर, आगे आगे और आगे, आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, यहाँ को जल्दी आ, यहीं पे थोड़ा नहीं, यहाँ पे देख भाई अच्छे से अच्छा साइकिलिस्ट नहीं कर पाएगा, मैं तो कह रहा हूँ भाई अच्छे से अच्छा साइकिल। तो फाइनली यहाँ पे आके रुकी है साइकिल, सामने व्यू ऐसा है, गियर रेशियो का इतना कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे एकदम स्टीप स्लोप है जिससे इधर गिरने का डर हो जाता है। तो भाई ये है यहाँ का डैम, हालत खराब हो रही है और ये हिल भी रहा है साथ में। वैसे यहाँ पे जाना मना है लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितना खतरनाक व्यू है भाई। मुझे यहाँ पे खड़े होके ना चक्कर आना बोलते हैं, वो उस टाइप का महसूस हो रहा है, हवा के साथ मैं भी हिल रहा हूँ और ये भी पूरा हिल रहा है। और उधर देखो बोर्ड्स कैसे हिल रही है, इतना खतरनाक पानी जा रहा है। आपको क्या दिखा वो तो मुझे पता नहीं, बाद में मैं भी देख लूँगा जब, मतलब मैं आपको बताऊँ तो हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, ये देखो भाई की टी शर्ट कैसे उड़ रही है। तो भाई यहाँ पे ना हमको इतना मज़ा आ रहा है कि हम लोग यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, हमारे जो साथी वो हमें बुला रहे हैं नीचे, मन कर रहा है यहीं से कूद मारूँ पानी में और छपाक से नहा लूँ यार, काफ़ी गर्मी भी हो गई। चलो चलते हैं यहाँ से आगे, उधर जाते हैं उधर पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो भाई डैम के ऊपर हम लोग जा रहे हैं इधर से, अभी ये पूरी डैम की वॉल ही है। तो भाई यहाँ पे है जेट स्की पॉइंट, यहाँ से स्की वगैरह ले सकते हैं आप, टिहरी एडवेंचर स्पीड बोट जेट स्की, यहाँ से आपको बोट मिल जाएगी। नहाने की जगह इधर भाई बता रहा, किधर पे बताओ बैराज के उधर है, ठीक है बता क्या बोल रहा है, और वहाँ पे क्या हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए बताओ। अगर और लोग वहाँ पे नहा रहे होंगे तो नहाना, नहीं तो मत नहाना, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वहाँ पे एक बड़ा अजगर देखा गया और उसने एक बकरे को मारा, बकरे को मारा है यार, तो वहाँ पे हम जाके एक बार देखते तो है। सो भाई हमने अभी ना सर्फिंग करने का मूड बना लिया इधर, तो भाई ने हमें बताया है जो बोर्डिंग सर्फिंग बोर्ड का चार्ज है 500। तो गाइस देखो भैया अभी जैकेट पहन रहे है, सेफ्टी जैकेट, जिससे भैया ठहर सके अच्छे से, वैसे ठहरना तो आता है लेकिन और अच्छे से ठहर सके तो इसके लिए ज़रूरी है ना यार, ये रिस्क नहीं ले सकते। तो भाई मैं जा रहा हूँ जेट्टी पे सर्फिंग के लिए, अब भाई हमें कराने वाले हैं सर्फिंग, बोट बोट इज़ रेडी। हाँ मैं माउंट कर लेता हूँ, जब मैं आपको इशारा करूँगा ना खड़े होने का, खड़े होना आपने, ठीक है, उसके ना अपोजिट चलना है आपने, वेव के, हाँ वेव के, अगर मैं सर करता हूँ उसके अपोजिट आपने बैलेंस करना है, खड़े होना, इसलिए मैं करवा दूंगा, वैसे गिराऊंगा भी नहीं, ठीक है, गिरना चाहते हैं, गिरना चाहते हो, कोई नहीं गिर भी जाएंगे। तो भाई अपनी वेव स्टार्ट होने वाली है, भाई कैमरा सेट, आई एम ऑन द नीज, मजा आ रहा है।
फाइनली हम गिर ही गए। अंदर भी घुस चुका है पानी के। भाई तेरे को तो मजा आया, मेरे को कहाँ मजा आया, मैं पानी में थोड़ा ठहरा हूँ। मेरे को भी टाइम ना साले कुत्ते कमीने, मेरे को भी टहनना है। कूद जा फिर। हाँ हाँ भाई, अरे डर रहा है बिल्कुल पानी में जाने में, डूब गया डूब गया। तो भाई अब हम लोग दोबारा से कूदने वाले हैं, देख रहे हो डैम के अंदर। डैम एंड वी, लेट्स गो। वन टू थ्री फोर गो ऑन। पानी के अंदर दिखाऊं क्या कैसा है डैम के पानी के अंदर। तो भाई पीछे से बोट आ रही है, अभी बहुत खतरनाक वेव आने वाली है, और देखो बोट आ रही बहुत तेजी से वहां से। और हम इंतजार में हैं, ये पैसे ये बर्बाद कर रहे हैं और मजे। ये वेव आ रही है उधर से बहुत तेजी से। ये एक और बोट आ रही है भाई, बोट ही बोट आ रही है, मजा आ रहा है। एक और आ गई उधर से, साथ में वेव भी लेके आ रही है। तो भाई ने देखा नहीं देखा हमें पता नहीं, बड़ी तेजी से बोट को। अब आई भाई, अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर आइए, और सर्फिंग जरूर करना भाई आगे, सर्फिंग का अलग ही मजा है यार। तो भाई हमारा वहाँ पे वेट कर रहा था, हमारी बाइक उधर ही खड़ी है। अभी वो एनडीसी का क्या हो रहा है भाई, टिकट का इशू पंगा हो रहा है भाई वो कुछ। चलो हम भी चलते हैं यार, खाना बन गया होगा। हाँ यार खाना भी तो खाना है उधर। ऐसा भी होता है। हाँ देखो भाई पेट्रोल खत्म हो गया उधर बोट का, मिल जाता है। अब यहाँ से एक बोट जाएगी पेट्रोल लेके 10 लीटर, उसके बाद वो बोट चलेगी है ना। कहीं अगर हमारा पेट्रोल खत्म हो जाता तो हमारी बोट का क्या होता फिर। अब वो मेरा बोट सीधे नीचे पानी है दोबारा, और मुझे डर लग रही, ये लग रही है ये माउंट में से निकल जाए कैमरा। भाई मेरी भी एक बार इकली फटी, जब तो ऐसे करके अंदर घुसा ना डायरेक्ट, मैं गया 30-40 हज़ार रुपये गए। लेकिन नहीं फंसा, बहुत तगड़ा था इसका लॉक। अच्छा सॉरी भाई, अरे भाई फौजी है फौजी, छोटा भाई। अच्छा गाना सुना दो एक बार, सुना दो। शर्मा रहा है भाई, शर्मा गया यार। तो भाई हमने तो परमिशन ली थी डैम में जाने की, लेकिन इन लोगों को ना कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, ये लोग भाई अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई सेफ्टी जैकेट नहीं चाहिए इनको। सही हुआ इनका, बट मेरा फोन ना गिर जाए इधर। तू कहाँ जा रहा है? तो भाई लोग अगर आप लोग हैं नैनीताल या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से एडजॉइनिंग प्लेसेस से, तो आप लोग गर्मियों में तो यार इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करें। जैसे कि हमने दिखाया आपको, वाटर स्पोर्ट्स का भी सेंटर है, और साथ ही आपको एक बढ़िया सीनिक व्यू मिल जाता है पूरे डैम का। साइकिलिंग करने वालों के लिए भी एक अच्छी जगह है। तो भाई आज बहुत इन्जॉय किया, तो इस ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।